सो हेलो एवरीवन, ओके सुन को तो छूंगे। तो आज के वीडियो में मैं जाने वाला हूँ भाई, आप देख ही लिए हो गए इंट्रो में, तो बस जाने वाले हैं। तो भाई चलते यार, 10 मिनट में ट्रेन है मेरी कोपरगंज स्टेशन से। जो कोई जाना चाहता है अमरनाथ, उसके लिए अच्छा व्लॉग है और पूरा बताते हुए जाऊँगा आपको कैसे जाना है। व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए यार प्लीज़ ना। चलो दौड़ के चलते हैं। तो भाई दौड़ना पड़ रहा है मुझे भी। तो भाई पहुंचने वाले हैं हम लोग कोपरगंज स्टेशन। बाकी ये देखो इस रास्ते से जा रहा हूँ मैं, तो यार पहुंच के जल्दी बताता हूँ, बहुत दूरी रास्ता है अभी। तो भाई मैं अकेले नहीं जाने वाला हूँ, मेरे ही साथ एक बंदा अभी ज्वाइन करेगा, वो भी रवाले से ज्वाइन करेगा। मैं जा रहा हूँ ऊपर खेरना से और बस उससे जाके मिलते हैं 5:08 पे, ट्रेन है मेरी और 4:54 हो गए स्टेशन पहुँचने वाला हूँ मैं। भाई कोपरगंज स्टेशन पहुँच चुके हैं हम लोग और ये देखो भाई आ गए अंदर। एंट्री देंगे कि नहीं, क्योंकि 5:04 पे ट्रेन आने वाली है, आई थिंक दे देंगे एंट्री। बाकी यार चलो भाई जाना है तो भाई चलो, पब्लिक जा रही है। तो भाई फाइनली कोपरगंज पहुंच चुका हूँ स्टेशन पे और बस यहाँ से पहली ट्रेन भाई, फर्स्ट टाइम पहली ट्रेन मतलब सुबह की। भाई इतने जल्दी जाग के उठाए, सोए के उठाए, 3:30 बजे से उठा हूँ मैं। तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ब्लॉग पे लास्ट तक बने रहिए। तो पहले भाई अपने ट्रेन वहाँ मिल चुका है। चल भाई खाने का खाने पहुँच चुके हैं और यार बस 42 पे ट्रेन है अभी। टाइम कितना है? 6:40 से 5:40 है, 2 मिनट का, और वेट के बाद में पहुँचेंगे अपने अपने डिस्टेशन पर। चलो अरे माँ। तो भाई बस आ गए, अभी निकलने वाले हैं। देखो बाकी सब चलते हैं, चुके हैं हम लोग। चलो रिक्शा पकड़ेंगे फिर जाएंगे। चल लेंगे अपनी मैं कैमरा ही ब्लर मार। हम लोग पहुंच चुके हैं,
हाँ ले दो 70 का ले लो ना 70 वाला ले लो। तो भाई प्रसाद भी ले लिए और मंदिर भी आ गए। अभी थोड़ा कम मतलब सुबह नहीं हुआ बराबर आके अच्छे सुबह हो जाएगी तो दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं और इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चालू है और बाकी ये देखो बाकी सुबह दिखाता हूँ अच्छे से। अभी तो खाली दर्शन करते हैं और बस दर्शन करते हैं सुबह अच्छे से मतलब दिखाऊंगा। लाइटिंग भी लाइटिंग तो अच्छा रहना चाहिए। और एक अच्छी बात बताऊं इधर एक तालाब है इधर हाँ ना चल पहले अंदर जाके आते हैं और इधर कछुआ रहते हैं और ये देखो मंदिर का एंट्रेस्ट एंट्री द्वार। और चलो पहले दर्शन करते हैं हम और बाकी सब अभी अच्छे से दिखाता हूँ। कंप्लीट हो चुके तो भाई दर्शन दर्शन हो गए हैं रात को तो मतलब सुबह आए थे तो उतना रिजल्ट भी नहीं दिख रहे थे बाकी अभी देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पर रील्स आ चुकी है बस एंजॉय करें। तो फाइनली गाइस दर्शन हो चुका है और बस अभी घर के लिए जा रहे हैं मंदिर। यहाँ से तो विजुअलिटी चली गई बाकी दर्शन हो चुका है अच्छे से जाने वाला कल। और अरे चलते हैं घर करीब टाइम हुआ है 7:40 हो गया बस मेरे को 8-9 बजे तक मैं घर शायद आज ही पहुँच जाऊँगा ताकि पापा भी आराम रहे। और यार बस सुकून से दर्शन हो गए इस बार बहुत अच्छे से दर्शन हुए भीड़ बहुत कम है ताकि आज शिव महा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म दिवस है उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म दिवस है ना। हाँ तो आज का ब्लॉग तो एकदम इंटरेस्टिंग है बाकी इस ब्लॉग को मैं और घर जाके तो खत्म करूँगा। तब तक आप इंजॉय करिए घर जाते हैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मेरा हाथ भी दर्द होगा में ना जुनून कुछ अलग ही लग रहा है। महाकाल जय श्री राम हम सब का। कभी कभी तो ऐसा लेक्चर चालू रहेगा ना मैं बोलूँगा मैं बोलता तुम लोग खाली बोलना जोर से ना एक बुसु बाकी चलाती पड़ा रहे तो भाई बात हो गया है और हम लोग भी दर्शन कर चुके अच्छे से हुआ है इस बार में बहुत अच्छे इस बार भीड़ ही नहीं थी मतलब और बहुत अच्छे से भी हो गया दर्शन। बाकी अभी जा रहे हैं हम लोग अपने अपने घर पे इसको छोड़ने आधी रास्ते में। अरे माँ कसम वीडियो रिकॉर्ड नहीं है यार मेरे साथ पोपट क्यों हो रहा है दबाना ही भूल गया। तो आप लोग जैसे आओगे ना मंदिर तो ये सामने गेट मिलेगा यहीं रिक्शे वाले छोड़ते हैं और यहाँ से फिर सीधा जाने का रहता है डायरेक्ट मंदिर आ जाएगी। और हम लोग तो भाई पैदल ही जाएंगे स्टेशन तक। भाई भाड़ा बहुत महंगा है यार इधर शहरी से चलते बीच चले तो थोड़ा अच्छा है
इधर का रिक्शा डायरेक्ट से चलता है तो उसके लिए अच्छा नहीं रहता। बाकी एंट्री द्वार का दर्शन कर लो अब, बाकी कब आए पता नहीं। तो भाई निकलता हूँ स्टेशन, जाके मिलते हैं।